अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 से अब जो कुछ सवाल आएंगे ना, अभी तक तो क्या थे, जितने भी सारे क्वेश्चन थे सब में कुछ बेसिक चल रहा था हमारा, बेसिक फॉर्मूले चल रहे थे। अभी जो आगे क्वेश्चन आएंगे सब में हम फॉर्मूले ही यूज़ करेंगे, पर थोड़े से जो एडवांस वाले फॉर्मूले हैं, जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन 2x 2 sin 4x प्लस साइन 6x राइट, और राइट हैंड साइड है 4 cos² x साइन 4x। अब एक काम करेंगे, या तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व करते हैं या राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व करके राइट हैंड साइड वाला बना देंगे। चलिए सर, तो बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन 2x प्लस 2 sin 4x प्लस साइन 6x, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है सर, इसको सोल्व करके राइट हैंड साइड वाला लाएंगे। अब यहाँ पर कई बच्चों को समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर क्या क्या आ जाए सर, सर ये साइन 2x है, या तो बच्चों को माइंड में ये भी आ रहा होगा, ये काम करते हैं इसमें साइन 2x का फॉर्मूला लगा देते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है सर, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, यही तो होता है इसका। ये जब इसको ओपन कर दोगे फिर क्या होगा सर, उसके बाद इसमें कुछ हो सकता है सर, यहाँ तो साइन 2x का फॉर्मूला लग नहीं सकता, साइन 6x का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो क्या किया जाए ऐसे कंडीशन में। एक काम करो, ये तो साइन 2x है, इसमें कुछ फॉर्मूला लग नहीं रहा, पर कहीं ना कहीं ये जो साइन 2x है और ये जो साइन 6x है, ये दोनों मिलाकर एक टर्म बना रहे हैं, ये दोनों मिलाकर एक फॉर्मूला बनाएंगे, कौन सा वाला वो बताता हूँ मैं। एक काम करो, पहले साइन 2x और साइन 6x को एक साथ रख दो, साइन 2x और साइन 6x को एक साथ रख देते हैं, और ये 2 sin 4x हम यहाँ पर ऐसे ही लिख देते हैं। अब इससे क्या क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि इन दोनों में हम लगा सकते हैं साइन ए प्लस साइन बी, याद है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है ना, जिसको नहीं पता हूँ देख लो भैया, कि साइन ए प्लस साइन बी है ना, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या था सर, यही तो था, 2 sin a + b / 2 और cos a, ये माइनस आएगा, ठीक है माइनस है, तो साइन वाला जो फॉर्मूला होता है वो बेचारा सबको मौका देता है कि वो साइन ए प्लस बी ना, तो जो साइन होता है वो सबको मौका देता है, उसमें साइन भी आता है उसमें कॉस भी आता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 sin a + b / 2 cos a - b / 2। ये तो आप जानते हो कि बिना फॉर्मूलों के इस चैप्टर में काम नहीं चलने वाला आपका, ठीक है सर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। अब क्या होगा, तो यहाँ पर यानी कि साइन ए, जहाँ साइन ए है वहाँ 2x आएगा, और जहाँ बी है वहाँ 6x आ जाएगा, यानी इसके जगह हम लिखेंगे 2 sin 2x + 6x / 2 + 2 sin, ठीक है, और उसके बाद cos, सॉरी प्लस मैं पे चाहता हूँ प्लस नहीं है पर ना, 2 sin a + b / 2 और cos a - b, यानी कि 2x - 6x / 2, 2x - 6/2 और प्लस 2 sin 4x है ना, ये ऐसे आ जाएगा हमारा। ठीक है सर, अब आगे देखेगा इसको, 2 sin, अब मैं यहाँ पर तो सिंपल सोल्व कर रहा हूँ, देखो 6x में जोड़ोगे 2x कितना आएगा 8x, और जब 8x में 2 का डिवाइड दो कितना आएगा 4x, ये cos है, 2x में घटाओगे 6x कितना आएगा -4x, जब -4x में 2 का डिवाइड दोगे तो माइनस का 2x प्लस 2 sin 4x, ये हमारा ऐसे आ जाएगा ये वाला पार्ट। अब आपको एक फॉर्मूला याद है ना, कौन सा वाला सर, cos - θ बराबर आ जाता है प्लस का cos θ, ये जानते हो ना सर फॉर्मूला आप, ये वाला है ना, इसी का यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब इसका यूज़ क्या करेंगे कि 2 sin 4x, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, cos 2x प्लस 2 sin 4x। अब देखिए यहाँ पर अगर हम थोड़ा ऑब्जर्व करें, यहाँ पर ये 2 sin 4x cos 2x है,
अरे 2 sin 4x, देखो इसके पास भी 2 sin 4x आ रहा है इतने के पास, और इतने वाले टर्म के साथ भी 2 sin 4x आ रहा है। क्या किया जाए, एक काम करें, इन दोनों में से 2 sin 4x कॉमन ले लेते हैं, तो इसके बाद क्या बचा, इसके बाद बचा cos 2x और इसके पास बचा 1। अब देखो बेटा, यहाँ पर ना आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा साथ देखते हैं राइट हैंड साइड क्या चाहिए। ये राइट हैंड साइड मुझे थोड़ा क्या चाहिए, राइट हैंड साइड एक तो मुझे cos स्क्वायर चाहिए, एक चाहिए cos स्क्वायर और एक चाहिए sin 4x, ठीक है। देखो राइट हैंड साइड क्या चाहिए ये भी देखते रहो, एक cos स्क्वायर चाहिए और एक sin 4x चाहिए। तो हमने देखा यार यहाँ पर sin 4x तो आ गया, ठीक है। अब यानी इतने वाले पार्ट को मुझे cos स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा, तो एक काम करो फिर sin 4x इतने वाले पार्ट को cos स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। तो cos 2x का फॉर्मूला देखो, cos 2x के आपको मैंने बहुत सारे फॉर्मूला बताए थे, तो cos 2x का ऐसा फॉर्मूला जिसमें ओनली cos आता है। cos 2x के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, अब cos 2x का एक ये वाला फॉर्मूला भी होता है, कौन सा वाला मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास cos 2x का, कि cos 2x बराबर होता है हमारे पास cos2x माइनस sin2x। cos 2x का एक फॉर्मूला ये भी होता है cos2x माइनस sin2x, ठीक है जी। वैसे तो एक फॉर्मूला ये भी होता है cos2x का, और एक ये भी होता है cos2x का कि 2 cos2x माइनस 1, ये फॉर्मूला भी होता है cos2x का। अब यहाँ पर ना हम cos2x का फॉर्मूला लगाएंगे, अब कोई से लगा दो, तो वैसे तुम्हारी मर्ज़ी, अगर देखा जाए ना कोई बच्चा कह रहे भैया मैं ये लगाऊंगा, वैसे कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलो बाय द वे अगर मैं ये लगा, कोई बच्चा कह रहा है, वैसे बेसिकली cos2x का वही फॉर्मूला लगाओ जिसमें ओनली cos आए, क्यों, मुझे तो आंसर में ओनली cos सही है। अगर तुम cos2x का ये वाला फॉर्मूला लगाते हो ना, तो यहाँ पर पता क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या आएगा सर, यहाँ पर हमारा साइन भी आ जाएगा। मतलब cos2x का ये लगाओगे तो जुगाड़ हो जाएगा, क्यों, देखो अगर मैं cos2x से जगह cos2 माइनस sin2x लिख देता हूँ, फिर मैं 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, cos2x प्लस 1 sin2x, तो sin2 से cos2 उड़ जाएगा, इससे भी काम चल सकता है। पर मैं ये वाला लगाऊंगा, क्यों हम टाइम वेस्ट करें अपना, मैं एक स्टेप फालतू नहीं करूंगा, मैं cos2x का फॉर्मूला होता है cos2x माइनस वन, और ये मेरे पास क्या सर, प्लस 1 है, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया सर, 2 sin 4x, और ये सर हमारे पास हो जाएगा cos2x, ठीक है, 2 sin 4x, और सर ये हमारे पास हो जाएगा cos2x, ठीक है, ठीक है सर, ये हमारे पास हो जाएगा। और देखो सर cos2x का फॉर्मूला तो क्या होता है, 2 cos2x माइनस 1 होता है ना, मैं यहाँ 2 लिखना भूल गया, यहाँ पर आएगा 2, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा सर, 2 आएगा ना, फिर यहाँ पर 2 आएगा, तो ये काम करो 2 क्या हो जाएगा, 4 sin 4x और cos2x। एक काम करो, हम इन cos2x को आगे ले सकते हैं और sin4x को बाद में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 cos2x और sin4x बाद में, ठीक है, cos2x है ना, cos2x आगे आ गया, sin4x बाद में आ गया, तो ये हो जाएगा 4 cos2x sin 4x, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। तो सर ये फॉर्मूला हमारा किसका हुआ, ये हमारा फॉर्मूला हो गया sin 4x का, सॉरी जो भी है, मतलब ये हमारा राइट हैंड साइड वाला आ गया, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला था, इसको सोल्व करने के बाद क्या आ गया, ये हमारा राइट हैंड साइड में आ गया, ठीक है सर, ये आ गया। अभी काम करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा सर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें काम कीजिए सर, इसमें हम चाहें ना तो दोनों साइड cot 4x ब्रैकेट में sin 5x प्लस sin 3x, cot 3x cot x sin 5x माइनस sin 3x। इस वाले क्वेश्चन में हम चाहे तो या तो ओनली लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करो, तो राइट हैंड साइड वाला आ जाएगा। एक काम करेंगे, अभी तक मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा था वहाँ पर मैं ओनली लेफ्ट हैंड साइड वाला सोल्व कर रहा था, जो ये वाला क्वेश्चन आया ना इसमें काम करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में दोनों साइड सोल्व करेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वालों को भी और राइट हैंड साइड वालों को, दोनों को सोल्व करके चलेंगे। तो एक काम करें, यहाँ पर पहले सोल्यूशन लिखिए, दोनों को सोल्व क्यों करेंगे बता रहा हूँ आपको मैं, cot 4x sin 5x प्लस sin 3x इक्वल टू में cot x sin 5x माइनस sin 3x। सर इसमें एक चीज़ देखिए आप, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है सर, ये sin 5x प्लस sin 3x है,
ये साइन 5x माने साइन 3x है। तो कहीं ना कहीं इस वाले में पता क्या लग रहा है, इस वाले में आपको आइडेंटिटी याद आ रही होगी, कौन सी, साइन ए प्लस साइन बी की, और इसमें याद आ रही होगी साइन ए माइनस साइन बी की। इसमें साइन ए प्लस साइन बी की फॉर्मूला लग जाएगा और इसमें साइन ए माइनस साइन बी का हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह थोड़ा इस क्वेश्चन को हम थोड़ा इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो एक काम करिए सर, ठीक है, एक काम करिए, कुछ नहीं, देखो यहाँ ना इसमें साइन ए प्लस साइन बी का ना याद आपको, आप लोग जानते ही हो कि साइन ए प्लस साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है। तो साइन ए प्लस साइन बी का जो फॉर्मूला होता है वो सर क्या होता है हमारे पास, कि साइन टू साइन ए प्लस बी अपॉन में टू, और एक कॉस को भी मौका देता है, कॉस ए माइनस बी अपॉन में टू, ठीक है। एक होता हमारे पास साइन ए माइनस साइन बी का, जो कि होता है हमारे पास, तो साइन ए और साइन बी को मैं क्या कहता है, ए प्लस बी में पहले साइन खुद आता है फिर कॉस आएगा, और साइन ए माइनस बी में पहले कॉस को मौका देगा, टू कॉस ए माइनस बी अपॉन में टू, फिर आएगा सॉरी पहले प्लस आएगा, टू कॉस ए प्लस बी अपॉन में टू और साइन ए माइनस बी अपॉन में टू। तो ध्यान दिया यहाँ क्या क्या, यहाँ पहले इसने किसको मौका दिया, पहले साइन खुद आया तो पहले साइन ने अपने आप को मौका दिया, फिर साइन ने यहाँ किसको मौका दिया, कॉस को मौका दिया, है ना, आगे आने का। बाकी तो बाद में तो ए माइनस बी आता हो, मतलब शुरुआत में तो ए प्लस बी टू, सब में क्या आएगा, चार फॉर्मूले होते हैं ऐसे, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, सब में एक चीज़ कन्फर्म होता है कि सबसे पहले ए प्लस बी अपॉन में टू आएगा और बाद में ए माइनस बी अपॉन में टू आता है, बस ये चेंज हो जाते हैं। पर साइन ए प्लस साइन ए प्लस साइन बी में आसान होता है कि पहले साइन फिर कॉस बाद में कॉस, और साइन ए माइनस बी में क्या होता है, साइन ए माइनस साइन बी में क्या होता है, पहले कॉस आएगा बाद में साइन आएगा। अब इस वाले में लगा दो सर यहाँ इसमें फॉर्मूला, तो ये मेरे पास है कॉट 4x ऐसे आएगा, तो इसमें आइडेंटिटी लगेगी कौन सी वाली, टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू, टू साइन ए प्लस बी ना, यानी 5x प्लस 3x अपॉन में दो, ठीक है, और कॉस 5x माइनस 3x अपॉन में दो, ठीक है सर। ये तो हमारा कौन सा वाला पार्ट एंड हो गया, ये वाला पार्ट एंड होता है ना, ये वाला पार्ट, ये इधर राइट हैंड साइड में क्या चल रहा है, कॉट एक्स चल रहा है, लगा दो सर। तो क्या होता है कॉट साइन ए माइनस साइन बी का क्या होता है, टू कॉस, टू कॉस ए प्लस बी अपॉन में टू, तो ए मतलब साइन 5x प्लस साइन 5x प्लस 3x, 5x प्लस 3x एक्स अपॉन में दो है ना, 5x प्लस 3 एक्स अपॉन में टू, और यहाँ आएगा साइन 5x माइनस 3x अपॉन में टू, थोड़ा यहाँ देख लेना सर। अब देखो बेटे यहाँ पर कॉट को क्या लिखते हैं, याद है आपको कॉट कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ऐसे कॉट 4x को हम लिख सकते हैं क्या बेटा, कॉस 4x अपॉन में साइन 4x, फिर देखो टू साइन, अब देखते देखिए बेटा, बेटा पाँच में जोड़ दो तीन कितना आ जाएगा, आठ, आठ एक्स आ जाएगा, जब तुम आठ एक्स में दो का डिवाइड दो कितना आ जाएगा, 4x, फिर एक कॉस आएगा, जब तुम पाँच में घटा दोगे तीन कितना आएगा, 2x, और जब तुम 2x में दो का डिवाइड दोगे ओनली x बचेगा। राइट हैंड साइड कॉट x को क्या ले सकते हैं, वही कॉस x अपॉन में साइन x, सर यहाँ देखिए टू कॉस, बेटा 5x में जोड़ोगे 3x कितना आ जाएगा, 8x, 8x में 2 का डिवाइड दो कितना आएगा, 4x, साइन 5x में घटाओगे 3x बचेगा 2x, और 2x में 2 का डिवाइड दो x बचेगा। अब एक चीज़ देखो बेटा, ये कहीं ना कहीं ना ये मतलब मल्टीप्लाई में ही है, इसलिए साइन 4x से साइन 4x कैंसिल हो सकता है, और ओनली साइन x से साइन x कैंसिल हो सकता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, अगर यहाँ पर देख रहे हो आप कॉस 4x टू कॉस एक्स, राइट हैंड साइड कॉस एक्स टू कॉस 4x, और अगले स्टेप में जैसे अगर मैं इसको हम सही से लिखना चाहें, बाय द वे टू को आगे ले आओ, ऐसे लिख दो टू कॉस 4x और एक कॉस एक्स ऐसे आ जाएगा, और ये टू कॉस 4x आगे आया और कॉस एक्स को ऐसे ले आओ, देखो सर हो तो गया,
लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है 2 cos 4x cos x और राइट हैंड साइड आ रहा है 2 cos 4x cos x, हो गया सर, है ना, बोल देंगे यहाँ पर, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड, है ना, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई है, राइट हैंड साइड की। बस इस तरह के फॉर्मूले में आपको एक क्वेश्चनों में एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए, जब तक फॉर्मूला नहीं पता तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, है ना, मतलब आपको पहले पहचानना होगा कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा, जिसमें बोला गया है cos 9x माइनस cos 5x sin 17x माइनस sin 3x, सोल्व करके आना चाहिए राइट हैंड साइड, माइनस sin 2x और cos 9x। देखो ये ऑलरेडी मेरे पास छोटा है, ठीक है, तो एक काम करिए लेफ्ट हैंड साइड वालों को सोल्व करते हैं। अब पहले चेक तो कर लें इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो इसमें आपको देखते ही सिंपल दिख रहा होगा कि हाँ कि यार अच्छा इसमें ये वाला सूत्र लगने वाला है, क्यों, देखो अगर तुम इसको a मान लो, इसको b मान लो, ये हो जाएगा cos a माइनस cos b, तो ऊपर वाले में लग जाएगा cos a माइनस cos b वाला फॉर्मूला, और ये sin अगर तुम इसको a मान लो और इसको b मान लो तो क्या हो जाएगा, sin a माइनस sin b का फॉर्मूला लगेगा। तो दोनों में ऊपर वाले में cos a माइनस cos b का फॉर्मूला, नीचे वाले में sin a माइनस sin b का फॉर्मूला। तो लिखो टेकिंग LHS, हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो बेटा कैसे होगा, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास cos 9x माइनस cos 5x अपॉन में sin 17x माइनस sin 3x, ठीक है, और सूत्र कौन सा लिखेगा, मैंने पहले बोल दिया cos a माइनस cos b का, एक बार पहले लिख दो कि सूत्र क्या होता है हमारे पास, तो हमारे पास होता सर cos a माइनस cos b का फॉर्मूला, क्या होता सर cos a माइनस cos b का फॉर्मूला, हाँ इसको आज हम मतलब इस एक्सरसाइज में पहली बार यूज़ कर रहे हैं, तो ये यहाँ आता है माइनस, क्योंकि जब cos a प्लस cos b का लगाते हैं उसमें तो पूरे में cos आता है, और जब cos a माइनस cos b का लगाते हैं ना इसमें पूरे में sin आता है, तो माइनस 2 sin a प्लस b अपॉन में 2 और sin a माइनस b अपॉन में 2, इसमें ऐसा आता है, जबकि जो sin a माइनस sin b वाला होता है, जो sin a माइनस जो sin b का होता है इसमें सबको मौका देता है, मतलब पहले cos आएगा फिर sin आएगा, है ना, sin a माइनस sin b वाला में पहले cos को मौका देता है, तो 2 cos a प्लस b अपॉन में 2 फिर आएगा sin a माइनस b अपॉन में 2, तो ये आपको फॉर्मूले पहले पता होने चाहिए, ठीक है। अब सर ये इसको सर जो सॉल्यूशन इसको आगे बढ़ाते हैं, तो इसमें लगेगा cos a माइनस cos b का फॉर्मूला, तो यानी कि ये होता है माइनस 2 साइन ए प्लस बी अपॉन में 2, तो ए का मतलब है माइनस साइन, है ना, ए प्लस, तो यानी ए मतलब 9x और बी मतलब 5x अपॉन में 2, ठीक है, फिर साइन ए माइनस बी अपॉन में 2, तो ए मतलब 9x और बी मतलब 5x अपॉन में 2, फिर पूरे का अपॉन में देखो, पूरे का अपॉन में नीचे साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, तो 2 cos a अपॉन में बी, ए मतलब 9x प्लस 5x अपॉन में 2, फिर sin a मतलब, सॉरी बेटा सर नीचे तो क्या है बेटा, नीचे तो a 17 है और b 3 है ना, तो यहाँ पर आएगा 17, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 17x और यहाँ पर आएगा माइनस 3x अपॉन में 2, ठीक है। चलिए सर और फिर क्या करना है, काम करो ऊपर देखो बेटा, माइनस 2 साइन, देखो बेटा पहले ऐड करो, 9 में जोड़ो 5, 14 आएगा, जब 14x में 2 का डिवाइड दो कितना आएगा, 7x आएगा, साइन तो आ ही रहा है, जब 9 में से घटाओगे 5 कितना आएगा, 4, और 4 में दोगे 2 का डिवाइड तो ये आएगा 2x। ऐसे नीचे मेरे पास क्या है, 2 है, 17 में एक्स में जोड़ोगे 3x कितना आएगा, 20x, और 20x में 2 का डिवाइड दोगे तो आएगा 10x, तो आ जाएगा cos 10x, साइन तो है ही, 17 में से घटाओगे 3 कितना आएगा 14, और जब 14 में दोगे 2 को 2 का डिवाइड ये आएगा साइन 7x। अब देखो बेटा 2 से 2 कैंसिल, ठीक है सर, साइन 7x से साइन 7x कैंसिल, दो बार लिख दिया मैंने, साइन 7x से साइन 7x कैंसिल, ऊपर बचा माइनस साइन 2x और नीचे आ रहा है cos 10x, ऊपर माइनस साइन 2x, ऊपर cos 10x,
ठीक है। सर क्या चाहिए हमें, राइट हैंड साइड क्या चाहिए था, माइनस साइन टू एक्स अपॉन में कॉस टेन एक्स, और क्या, और लेफ्ट हैंड साइड वालों को सोल्व करने में क्या आया, माइनस साइन साइन टू टू एक्स अपॉन में कॉस टेन एक्स। तो जो हमें राइट हैंड साइड चाहिए था वही तो आ रहा है, तो लिख देंगे सर, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड, हो तो गया, सिंपल है ये। मतलब जितने भी 16 से लेकर 21 तक क्वेश्चन है ना, 16 से लेकर 21 तक क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सम में बस यही फॉर्मूला लगेगा, सम में किसी में या तो कॉस ए माइनस कॉस बी का लगने वाला फॉर्मूला, किसी में या तो साइन ए माइनस साइन बी का लगेगा, ठीक है, किसी में साइन ए प्लस साइन बी का, और किसी में साइन ए माइनस साइन बी का, ये चारों फॉर्मूला यूज होने वाले हैं बस, ये समझ लो आप। देखिए सर अगला क्वेश्चन 17 क्वेश्चन फिर आ गया, देखो फिर मैं कह रहा हूँ इसमें शुरू के चार जो फॉर्मूले हैं ना, साइन ए प्लस साइन बी, शुरू के चार नहीं बीच में लिखा था आपको, पर चार जो फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, साइन ए प्लस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, ये फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाले हैं। अब जो ये वाला है इसमें आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड वाले को सोल्व करो और राइट हैंड साइड वाला लाओ, लिख दो बाई टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड वाले को लिखें क्या आएगा, साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन में साइन cos x और cos 3x, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वाला बड़ा है, इसको छोटा करके राइट हैंड साइड वाला लिया हो और हमारा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। पर सर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ऊपर दिख रहे हो ना साइन ए प्लस साइन बी का लग रहा है, नीचे cos a प्लस cos b का, और आप लोग फॉर्मूला जानते हो क्या होता है कि साइन a प्लस साइन b का जो फॉर्मूला जानते हो आप, 2 साइन a प्लस b अपॉन में 2 और cos a माइनस b अपॉन में 2, जबकि आप जानते ही हो cos a प्लस b का cos बहुत ही छठा बदमाश होता है, ये किसी की नहीं सोचता, अपनी चलता है, तो आगे भी आएगा cos a प्लस b अपॉन 2 ही आएगा और पीछे भी cos ही आएगा, cos a माइनस b अपॉन में 2, ये माइनस है बेटा, ठीक है। चलिए सर तो आगे सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले में लगाते हैं साइन ए प्लस साइन बी का, नीचे कॉस ए प्लस कॉस बी का, जब इसको ओपन करेंगे तो कैसे होगा सर, तो हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी यानी 5x प्लस 3x, 5x प्लस 3x अपॉन में 2, फिर कॉस ए माइनस बी, कॉस ए मतलब 5x और बी मतलब 3x अपॉन में 2 पूरे के अपॉन में, आप लोग देख ही रहे हो है ना, कॉस ए प्लस कॉस बी का यानी यह आएगा 2 कॉस ए प्लस बी यानी 5x प्लस 3x अपॉन में 2 और कॉस 5x माइनस 3x अपॉन में 2। देखिए सर ऊपर 2 साइन 5 में जोड़ोगे 3 8 8x आएगा, 8x में 2 को डिवाइड दोगे 4x आएगा, फिर कॉस है 5x में घटाओगे 3x 2x आएगा, 2x में 2 को डिवाइड दोगे ओनली x आएगा, नीचे 2 cos 5x में जोड़ोगे 3x 8x आएगा, 8x में 2 को डिवाइड दोगे 4x आएगा, 5x में घटाओगे 3x 2x आएगा, 2x में 2 को डिवाइड दो x आएगा। आप देखो ये पूरा भी मल्टीप्लाई में, ये पूरा भी मल्टीप्लाई में, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, cos x से cos x कैंसिल, बचा क्या, बचा साइन 4x अपॉन में कॉस 4x, आप लोग जानते ही हो साइन अपॉन में कॉस होता है 10 होता है, तो आ जाएगा 10 4x आ जाएगा सर हमारा, 10 4x, साइन अपॉन कॉस 10 होता है 10 4x। तो सर हमें 10 4x आया, राइट हैंड साइड क्या चाहिए था सर, राइट हैंड साइड चाहिए था सर हमें 10 4x, और सर लेफ्ट हैंड साइड वालों को सोल्व करने पे क्या आया सर, इसको सोल्व करने पर 10 10 4x आया, तो बोल देंगे कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड वाला इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 17 भी हो चुका है, अब एक काम करते हैं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बोल दिया था कि हमारे पास जो ना जो 18 से जो 16 से लेकर 21 तक वो सारी आसान ही है, तो यानी 18 क्वेश्चन भी आसान ही है, साइन एक्स माइनस साइन वाई कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, इसको सोल्व करके क्या लाना है 10 x माइनस वाई बाई टू, तो मैं देख ही रहो है ना,
क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले को उठाएंगे बाय टेकिंग LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले को उठाओ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मेरे पास, ये तो है कि साइन 4x माइनस साइन y और cos x प्लस cos y, है ना, सॉरी ये साइन x है बेटा, साइन x माइनस साइन y और cos x प्लस cos y, है ना, साइन x माइनस साइन y और cos x प्लस cos y है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। इसको सोल्व करके राइट हैंड साइड वाला लाना हमें, चलो कोई नहीं तो लिख दो। तो इसमें सूत्र कौन सा लगने वाला है, दिख रहा है आपको, साइन ए माइनस साइन बी कोस ए प्लस कोस बी, तो यहाँ लिख दो, पहले फॉर्मूला लिख दो ना आप, साइन ए माइनस साइन बी का क्या होता है सर, ये तो सबको मौका देता है बेचारा, है ना, तो यहाँ पर क्या आता है मेरे पास, टू साइन, अगर साइन ए माइनस, जो हमारे पास साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला की अगर बात करें, ये सबको मौका देता है, तो क्या आएगा, टू कॉस, पहले कॉस आएगा ए प्लस बी अपॉन में टू, फिर साइन आएगा ए माइनस बी अपॉन में टू, ठीक है। ऐसी बात करेगा हम कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस कॉस बी का, मैंने कहा था कॉस बदमाश होता है, छठा बदमाश होता है, ये खुद ही लेकर चलता है सब, टू कॉस ए प्लस बी अपॉन में टू और कॉस ए माइनस बी अपॉन में टू, टू कॉस ए प्लस बी अपॉन में टू और कॉस ए माइनस बी अपॉन में टू, है ना, ये होता है। तो चलो सर देर मत करो, फटाफट और फॉर्मूला यूज करो सर, साइन ए माइनस साइन बी ना, तो क्या होता है, टू कॉस ए प्लस बी अपॉन में टू ना, तो एक जगह एक्स है बी की जगह वाई अपॉन में टू और साइन एक्स माइनस वाई अपॉन में टू आ जाएगा ना, ठीक है सर। नीचे कॉस ए कॉस एक्स प्लस कॉस वाई ना, यानी कॉस ए प्लस कॉस बी का, तो होता है टू कॉस ए प्लस बी अपॉन में टू, तो यानी यहाँ पर आएगा एक्स प्लस वाई अपॉन में टू, फिर आता कॉस, ठीक है, और ए माइनस बी अपॉन में टू, यानी कि एक्स माइनस वाई अपॉन में टू। और आप लोग देख ही रहे हो यार, ये सारा मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो यानी मैं टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन में टू से टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन में टू काट सकता हूँ मैं, बिल्कुल। क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा साइन एक्स माइनस वाई अपॉन में टू और कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन में टू बच गया। सर साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, सर साइन अपॉन कॉस होता है टेन, साइन अपॉन में कॉस का मतलब होता है टेन, यह आ जाएगा टेन, और ये तो एंगल तो ऐसे ही आता है टेन एक्स माइनस वाई अपॉन में टू, साइन बाय कॉस मतलब टेन, और एंगल तो वैसे ही आते हैं ना सर। राइट हैंड साइड में क्या चाहिए था, सर राइट हैंड साइड में चाहिए था टेन एक्स माइनस वाई अपॉन में टू, और सर लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, सर टेन एक्स माइनस वाई अपॉन में टू आ रहा है ना, जो लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए था वही राइट हैंड साइड में आ गया सर। हाँ लिख सकते हैं, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड, हो गया सर प्रूफ। मैंने पहले बोला था 18 से लेकर 21 तक बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर। यहाँ पर भी साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स, इस वाले क्वेश्चन में भी सेम वही वाला सूत्र लगने वाला है सर। कौन सा वाला सूत्र सर, देख रहे हैं आप, जैसे कहा था 20-21 का क्वेश्चन आसान है, साइन ए प्लस साइन बी कॉस ए प्लस कॉस बी, लिख देता हूँ फटाफट, टेकिंग LHS टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अब तो आपको भी बहुत आसान लग रहा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन ए प्लस साइन बी, और सॉरी चलो चलो इसका मैं, है ना, चलो मैं इसका पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, ठीक है, सॉरी मैं आपको चाहता हूँ, साइन ए प्लस साइन बी का ना क्या होता है सर, टू साइन ए प्लस बी अपॉन में टू, पहले खुद आता है फिर कॉस को मौका देता है आने का, कॉस ए माइनस बी अपॉन में टू, जबकि हमारा कॉस वाला बदमाश होता छटा हुआ कॉस ए माइनस कॉस बी का, सॉरी कॉस ए प्लस कॉस बी का ना क्या होता है, ये दोनों में खुद ही आएगा, ये कॉस ए प्लस बी अपॉन में टू में खुद ही आएगा और कॉस ए माइनस बी अपॉन यहाँ पर भी खुद ही आएगा, ठीक है। तो चलिए सर यहाँ पर हम लिख रहे हैं कौन सा वाला, मैं माफ कर जाता हूँ इसको थोड़ा, ये सवाल डायरेक्ट करना पड़ रहा मुझे, ये वाला क्वेश्चन ना सीधे डायरेक्टली, यानी यहाँ क्या लगेगा, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी कॉस ए प्लस कॉस बी, तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या सर, टू साइन ए प्लस बी अपॉन में टू, टू साइन ए प्लस बी, ए मतलब एक्स बी मतलब थ्री एक्स, एक्स प्लस थ्री एक्स अपॉन में टू, फिर कॉस ए माइनस बी अपॉन में टू, ए मतलब एक्स और बी मतलब थ्री एक्स अपॉन में टू, ठीक है। अच्छा बेटा उसके बाद कॉस ए प्लस बी का ना
यानी कि क्या आता है, टू कॉस ए प्लस बी अपॉन में टू, ए मतलब एक्स और बी मतलब थ्री एक्स अपॉन में टू, फिर आता है कॉस ए माइनस बी अपॉन में टू, तो ए मतलब एक्स बी मतलब थ्री एक्स, एक्स माइनस थ्री एक्स अपॉन में टू। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो सर टू साइन एक्स में जोड़ोगे थ्री एक्स फोर एक्स आएगा, फोर एक्स में टू का डिवाइड दो टू एक्स आएगा, कॉस एक्स में घटाओगे थ्री एक्स, एक्स में थ्री एक्स घटाओगे बेटा कितना आएगा माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स में टू का डिवाइड दोगे तो ओनली माइनस का एक्स बचेगा। ठीक है सर, टू कॉस सर थ्री एक्स प्लस एक्स फोर एक्स, और फोर एक्स में टू का डिवाइड दोगे तो टू एक्स आएगा। सर कॉस एक्स में घटाओगे थ्री एक्स, माइनस टू एक्स आएगा, जब माइनस टू एक्स में टू का डिवाइड दोगे तो सर ओनली माइनस का एक्स बचेगा। और ये फॉर्मूला तो आप जानते ही, ये वाला फॉर्मूला कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। थोड़ा इस सूत्र का ध्यान रखना बेटा, काम आएगा आपके। ठीक है, और बच्चों क्या हो सकता है, देखो यार टू से टू कैंसिल कर सकते हो आप। ठीक है, ऊपर साइन टू एक्स और कॉस माइनस एक्स को हम क्या लिख देंगे, ओनली कॉस एक्स, और नीचे कॉस टू एक्स आएगा और कॉस माइनस एक्स को लिख देंगे हम कॉस एक्स, कॉस एक्स कॉस एक्स कैंसिल, तो नीचे बचा साइन टू एक्स, साइन टू एक्स अपॉन में कॉस एक्स, तो साइन अपॉन में कॉस क्या होता है टेन एक्स, टेन होता है साइन बाई कॉस टेन, पीछे टू एक्स है, क्या आ जाएगा सर साइन अपॉन साइन टू एक्स अपॉन में कॉस टू एक्स आ जाएगा टेन टू एक्स। सर यहाँ पर क्या आ रहा है, सर यहाँ पर भी टेन टू एक्स आ रहा है, यहाँ पर टेन टू एक्स आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है टेन टू एक्स, तो बोलेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या आ गया राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ठीक है सर, देखो सर है ना बहुत ही आसान कहा था ना, बिल्कुल दो दो तीन 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 मिनट वाला क्वेश्चन है, क्यों देखो बेटा सब में वही फॉर्म, बस मतलब कहीं ना कहीं ना मैं बोलूँ तो मुझे भी बार बार वही बताना पड़ रहा है, या तो मैंने क्या कहा था आपको कि 21 तक वही फॉर्मूला लगने, चार गिनती के फॉर्मूले रिपीट हो रहे हैं। चलिए सर हमारे पास अब है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, 20 भी आसान है, 21 भी आसान है, कैसे आसान है बताएंगे। देखो बच्चों मैंने भी तो आपको बताया ना कि यार हमारे पास ये जो क्वेश्चन है 20 वाला क्वेश्चन है, इसमें कैसे किया जाए सर, इसको सॉल्व कैसे किया जाए, क्या क्या जाए, कैसे किया जाए। सर जो 20 है मेरे पास ना, जो 20 ये क्वेश्चन दिया हुआ है साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको इक्वल टू सॉल्व करके टू साइन एक्स लाना है सर, कैसे किया जाए। देखो बच्चों ये आप जानते हो हम सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड वाला ही करेंगे, चलो तो पहले लिखता हूँ मैं बाई टेकिंग एल एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो क्या ऐसा मेरे पास ये है साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स और इसके अपॉन में है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यार ये तो ऊपर वाला देख रहे होंगे आप कि साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स, ये तो समझ गए आप कि साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला यूज होने वाला है। ठीक है, अब नीचे यार साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यार आप सोच रहे होंगे कि सर देखो मैं यहाँ साइड ऑफ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सर ये फॉर्मूला तो हमने सुना है कि साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर वन होता है, ये हमने सुना है। और ये एक आपने ये भी सुना होगा कि यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, हमने एक ये सुना है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस टू एक्स का, है ना, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है। तो ये तो कहीं दूर दूर तक दिखता नहीं है कि माइनस आ रहा है, हाँ अगर ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस हो जाए ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस हो जाए तो यानी हम यहाँ पर कॉस टू एक्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो डायरेक्टली ये तो लग नहीं सकता। तो मैंने काम किया अपनी तरफ से ना, मैं काम चाहता हूँ कि ये काम किया पहले मैंने कि ना इन दोनों में मैंने ले लिया माइनस कॉमन, क्यों मैं चाहता था ये बन जाए ये प्लस का बन जाए ये बन जाए माइनस का, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो अब ये फिर पूरा ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये कॉस टू एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं इस पूरे में माइनस कॉमन, ऊपर भी माइनस कॉमन ले रहा हूँ नीचे भी माइनस ऊपर ले रहा हूँ माइनस कॉमन, तो ये हो जाएगा मेरा क्या माइनस साइन एक्स, और ऊपर वाला ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा साइन थ्री एक्स, अगर नीचे माइनस कॉमन लूँ मैं नीचे वाले में भी तो ये हो जाएगा मेरा माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, तो साइन तीन एक्स को आगे लिख दो और है ना, तो
तो साइन 3x को लिख दो आगे और माइनस साइन एक्स को लिख दो बाद में, पूरे का पूर्ण में कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दो पहले, माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिख दो बाद में, है ना। अच्छा तो नीचे अब सिंपल सी बात है सर, अब यहाँ पर मैं यहाँ पर दोनों फॉर्मूले लिख देता हूँ जो जिन फॉर्मूलेज को हम यूज़ करने वाले हैं, कि ऊपर वाला ऊपर क्या लग रहा है साइन ए माइनस साइन बी का ना, तो क्या होता है सर हमारे पास वो दो कॉस ए प्लस बी बाई टू और कॉस ए माइनस बी बाई टू, और ये हम जानते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस टू एक्स के, ये जानते हैं हम। तो सर लगा दो प्रॉब्लम फॉर्मूला, तो सर साइन तीन एक्स सॉरी फॉर्मूला लगाते हैं ना, क्या होता है हमारा फॉर्मूला साइन ए माइनस साइन बी का टू कॉस है ना, तो टू कॉस ए प्लस बी यानी साइन तीन एक्स प्लस एक्स अपॉन में दो और कॉस ए माइनस बी बाई दो, कॉस ए माइनस बी यानी तीन एक्स माइनस एक्स बाई दो है ना, दो कॉस तीन एक्स प्लस एक्स अपॉन में दो और कॉस तीन एक्स माइनस एक्स बाई दो, ठीक है ये होता है। और सर पूरे का पूर्ण में क्या आएगा सर, बच्चों यहाँ पर थोड़ा गलती नहीं कर दी हमने, नहीं बेटे यहाँ पर साइन है, क्या आएगा यहाँ पर साइन, थोड़ा फॉर्मूला गलती कर दिया हम यहाँ पर ना, साइन ए माइनस साइन ए माइनस साइन बी का होता है पहले कॉस आता है फिर साइन आता है फिर आता है साइन, तो यहाँ पर आएगा साइन, ठीक है। नीचे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किस बराबर होता है सर, कॉस टू एक्स के, ये होता है कॉस टू एक्स के बराबर। अब देखो बेटा यहाँ पर टू कॉस तीन एक्स में जोड़ोगे एक एक्स, चार एक्स आएगा, चार एक्स में जोड़ोगे दो का डिवाइड तो आएगा दो एक्स, तीन एक्स में घटाओगे एक्स, दो एक्स दो एक्स में दो का दो का डिवाइड एक्स, ये हो जाएगा कॉस दो एक्स, कॉस दो एक्स। सर कॉस टू एक्स और कॉस टू एक्स कैंसिल, क्या बचा टू साइन एक्स, टू साइन एक्स, तो सर नीचे भी क्या आ जाएगा टू साइन एक्स आ जाएगा, क्या बोलेंगे बोल देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड वालों को सोल्व करने पे आ रहा है टू साइन एक्स, और यहाँ पर भी क्या मेरे पास ये टू साइन एक्स है ना, तो इसको सोल्व करने पे क्या आ रहा है टू साइन एक्स तो आ रहा है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया,